हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों, डी एल एल बी की थर्ड राउंड की सीट अलॉटमेंट हो चुकी है और इस थर्ड कट ऑफ में क्या कट ऑफ गई है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस थर्ड कट ऑफ में जो कट ऑफ है वो ज़्यादा डाउन नहीं गई है, बस एक एक नंबर ही डाउन गई है और किसी किसी की एक नंबर भी डाउन नहीं गई है पूरी तरीके से। तो इसका रीज़न क्या है कि ये मतलब जो थर्ड कट ऑफ है वो बिल्कुल ही इतनी कम मार्जिन से इतनी कम डाउन गई है, सिर्फ एक नंबर। वो इसका ये था कि जो मिड एंट्री ओपन हुई थी तो उसमें काफ़ी मिड एंट्री उन बच्चों की आ गई थी जिन्होंने पहले अपने फॉर्म नहीं भरे थे CHAS पोर्टल पर और उनके नंबर ज़्यादा थे। तो जिनके नंबर ज़्यादा थे और उन्होंने फिर जब मिड एंट्री में एंट्री करी तो सबसे पहले उन्हें प्रेफरेंस दी गई सीट्स की, जिनके 220, 230, 240, 250 एक्सेट्रा इतने नंबर थे, लेकिन उन्होंने पहले अपनी CHAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जिस वजह से मिड एंट्री में जो उन्हें चांस मिला तो जो ज़्यादातर सीटें हैं वो उनके पास चली गई, उन्हें मौका दिया गया एक। तो इस वजह से ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं गई है। और अब क्वेश्चन ये उठता है, पहले मैं आपको बता दूँ कि कट ऑफ क्या क्या गई है जो मेरे नॉलेज में आई है। तो जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 228 तक गई है, 228 गई है, और EWS की गई है 208 तक जो मेरे नॉलेज में है, और OBC की 183 तक गई है, और SC की गई है 157 तक। इन नंबर वालों को सीट्स मिली हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इन सबको ही सीट मिली है इन नंबर पे, लाइक जैसे कि किसी के 183 हैं तो ऐसा नहीं है कि 183 के सबको ही सीट मिली है, जितनी सीट अवेलेबल हैं उतनों को ही मिली है। जैसे कि 10-12 एक नंबर पे 10-12 बच्चे हैं तो उसमें क्या है कि अगर सीट है 4 उस कैटेगरी में तो उन 4 टॉपरों को सीट मिली है जिनके एकेडमिक्स में नंबर ज़्यादा हैं, उस हिसाब से वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें भी उन सबको सीट मिली हो, एक आध रह सकते हैं। तो ये कट ऑफ गई है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जनरल की 228, EWS की 208 और OBC की 183 एंड SC की 157। ST का कोई डाटा नहीं है एग्जैक्ट, पता चलेगा तो मैं बता दूंगा, वरना जो SC वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी कमेंट ज़रूर करें वीडियो के नीचे और बताएं कि उनको किस नंबर पे सीट मिली है। एंड क्वेश्चन ये उठता है कि अब क्या फोर्थ कट ऑफ आएगी, क्योंकि शेड्यूल तो 3 कट ऑफ तक का ही था। तो फोर्थ कट ऑफ का क्या है, पहले तो आती थी कट ऑफ है 4th, 5th, 6th तक भी चली जाती थी कई बार, लेकिन इस बार क्या है, इस बार स्पोर्ट एडमिशन होंगे, मतलब स्पोर्ट एंट्री एडमिशन होंगे, कि अगर सीट खाली हुई तो स्पोर्ट एडमिशन होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये होंगे ही होंगे, मतलब कि अगर सीट खाली हैं तो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स राउंड एडमिशन में अपनी सीट्स निकालेगी, उसमें कट ऑफ आ सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है विड्रॉल ले लें तो सीट खाली होंगी, इस कंडीशन में स्पोर्ट्स राउंड में आपको सीट मिल सकती है। लेकिन किस किस को आस रखनी चाहिए कि मेरे को मिल सकती है, तो देखिए फैकल्टी में अब ज़्यादा सीट है नहीं, बहुत ही कम चांस है कि अब कोई सीट्स आए, और आएंगी भी तो वो 2-4 सीट्स होंगी, वो भी कैटेगरी वाइज की। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके इस जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है इससे एक नंबर नीचे हैं तो आप उम्मीद रखिए, वरना उसके नीचे से तो भाई बहुत रेयर चांस हैं कि 2 नंबर कट ऑफ नीचे जाए। एक बार को किसी कैटेगरी में जा सकती है, बट जनरल में तो डेफिनेटली शायद ही वो एक नंबर से ज़्यादा नीचे जाएगी, SC में हो सकता है जाए। तो ये है कि आप एक नंबर तक ही होप रखिए और बाकी जो इसके बाद हैं उसके बाद तो फिर राम भरोसे कि देखो क्या होता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो सीट हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं, अब कोई इतने चांसेस नहीं हैं कि कितनी कट ऑफ नीचे जाएगी, क्योंकि सीट ऑलमोस्ट सारी फुल हो चुकी हैं। फिर भी आप स्पोर्ट्स राउंड का वेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हो सकता है कि एक आध नंबर कट ऑफ नीचे चली जाए, ये भी हमारी एक होप है, वरना मुश्किल ही है। स्पोर्ट्स राउंड में सिर्फ उन्हीं पे सीटें निकलेंगी जो खाली हो रहेंगी, जिस कैटेगरी में खाली सीट्स होंगी उसमें ही वो सीट्स मिलेंगी, जो कि बहुत अब तो चीज़ें नामचार की हैं, क्योंकि अब सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। और स्पोर्ट्स राउंड में एक चीज़ और मैं बता दूं कि स्पोर्ट्स राउंड में ऐसा नहीं है एक राउंड होगा, एक दो राउंड और हो सकते हैं आगे भी खाली हुई तो, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको ना तो ही अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, मतलब जो आपको सीट मिल जाएगी, जो सेंटर मिल जाएगी सिर्फ वही होगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होप रखिए अगर आप एक आध नंबर आगे पीछे हैं तो हो सके मैं चाहूँगा कि आपको सीट मिल जाए।
एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।